इसे तलेंगे। बाकी सब तो ये बना रहे हैं, मैंने सिर्फ अभी चम्मच चलाने के लिए ले लिया। इसको हमें धीरे ही रखना है। ये जो भुना हुआ आटा है उसमें जो गोंद अभी तली थी उसको कूट के मिला दिया है, और उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को कूट के रखा था, उसको घी में फ्राई करके वो भी ऐसे खाना, तो ऐसे चीनी डाल के खाली मुझे पूछा भी नहीं। तो खाते रहते हो ना, मैंने पहली बार खाया, बहुत अच्छे होते, सॉफ्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट है उनका। ये बोल रही थी कि एक महीने लड्डू चलेंगे, जैसा लड्डू सब खा रही है मुझे लग रहा है दो चार दिन में खत्म कर देंगे। और वो कहते हैं कि ताकत के लिए भी है, इससे कमर में भी दर्द नहीं होगा, हाथ पर में भी दर्द नहीं होगा। सब इब्राहिम आप लोगों को पता, अब अपने घर में आ गई हैं, तो अब जाहिर सी बात उनके घर वाले भी जो है जिस तरह ख्याल रखते हैं उस तरीके से उनके ससुराल वाले भी ख्याल रखते ही हैं सब इब्राहिम का, माशाल्लाह से बहुत कुछ है। ये लड्डू की पूरी रेसिपी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्लिप्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।